एक तरफ देश भर में कोरोना वायरस से जंग जारी है तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हैं। सियासी विरोधी कांग्रेस और बीजेपी अब सोशल मीडिया पर भी आपस में भिड़ गई है। कांग्रेस लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधती रहती है और पीएम का मजाक उड़ाती रहती है, लेकिन अब यही हरकत बीजेपी नेताओं ने शुरू की है तो कांग्रेस को मिर्ची लग गई। मामला प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ा है। दरअसल प्रियंका राहुल और सोनिया गांधी का मजाक बनाते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किए जाने पर कांग्रेसियों ने रोष जताया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एक बीजेपी नेता पर आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर भी दी है। मामले की जांच साइबर सेल कर रही है। कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की तुलना रामायण के खलनायक किरदारों से करने और फोटो वायरल करने का आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता पर लगाया है। फेसबुक पर राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह का मजाक बनाते हुए फोटो वायरल की गई है। हालांकि मामले की जांच साइबर सेल कर रही है और उसके बाद ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन यह पहला मामला नहीं है। कांग्रेस खुद करे तो सब ठीक और अगर दूसरा उनके नेताओं का मजाक बनाता है तो कांग्रेस आग बबूला हो जाती है। कांग्रेस के नेताओं की लंबी फेहरिस्त है जो अक्सर पीएम पद की गरिमा को तार तार करने में लगे रहते हैं। कांग्रेसी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी अपशब्द का इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस लिस्ट में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।